أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Welcome to Storyland and very warm welcome to all of my new subscribers I hope all of you are fine and doing well Thank you very much for your support And if you are new at my channel please make sure that you subscribe my channel Today in this video we are going to read the second chapter Shandur Polar Festival from New Oxford Modern English book 4 and it is the third edition of this book In today's video, we will read this chapter in English and then translate it into Urdu. And if you need any details about this video, all the important and necessary links are in the description box. For essays in English language about any topic, please visit my blog. And for graphic designing services, follow my page on Facebook. Let's start today's video. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال Chapter 2 Shandur Polo Festival Shandur ka Polo ka tehwar Sabse pehle hamare paas pre-reading Polo is one of the oldest known sports in the world Polo ko duniya ke kadeem khelon mein se ek mana jata hai With your class discuss what everyone's favorite sport is आपने अपनी क्लास के साथ डिस्कस करना है कि किस किस का क्या पसंदीदा खेल है दिस इज़ द मैप ऑफ द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान ये पाकिस्तान के शुमाल मगरबी इलाके का नक्शा है फाइंड चित्राल एंड गिलगित ऑन द मैप इस नक्शे पर आपने चित्राल और गिलगित को तलाश करना है नोट हाउ हाई अबव सी लेवल दे आर और आपने ये बात नोटिस करनी है कि ये सतह समंदर से कितनी बुलंदी पर वाकिया है नोट द रीजन दे आर इन और इस इलाके को भी नोट करना है जहाँ पर ये वाकया है देन लोकेट द प्लेस बिटवीन दैम फिर उनके दरमियानी इलाके को देखना है नियर द बॉर्डर जो सरहद के नज़दीक है कॉल्ड शेंदूर ये शेंदूर कहलाता है यूज़ द की टू सी व्हाट द डिफरेंट लाइंस एंड सिंबल्स ऑन द मैप इंडिकेट यहाँ नक्शे पर बहुत से सिंबल्स यानी अलामत बनी हुई हैं और अपने की को देख कर ये जानने की कोशिश करनी है कि ये किस चीज़ को रिप्रजेंट कर रहे हैं यहाँ पर एक स्क्वायर शेप है जो सिटीज़ के लिए है ट्राइंगल इज़ फॉर टाउन्स और रिवर को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्लू कलर में लाइन है एंड देन देयर इज़ अ ग्रीन लाइन विद ब्लैक डॉट्स ये प्रोविंशियल बॉर्डर को शो कर रही है यानी एक सरहद जो एक सूबे की है जब दूसरे सूबे को अलग करती है तो उस बॉर्डर को इससे रिप्रजेंट किया गया है और लास्ट में हमारे पास है माउंटेन शेप्स छोटी छोटी ये पहाड़ियों को दिखा रही हैं कि पहाड़ियाँ किस जगह पर वाकिया हैं या पहाड़ किस जगह पर वाकिया है The towns of Chitral, Khyber Pakhtunkhwa and Gilgit in Gilgit Baltistan are both in the north of Pakistan. Khyber Pakhtunkhwa se Chitral aur Gilgit Baltistan se Gilgit yani ye dono jo kasbe hain ye Pakistan ke shumal mein waqia hai. The road between them winds along the mountain sides for nearly 400 kilometers. और इन दोनों इलाकों के दरमियान जो सड़क है वो तकरीबन 400 किलोमीटर तक पहाड़ों के इर्द गिर्द लिपटी हुई चलती है नियर द बॉर्डर बिटवीन दीज टू रीजन्स इन दोनों इलाकों की सरहद के नज़दीक ऑलमोस्ट हाफ वे अलॉन्ग द रोड सड़क के साथ साथ तकरीबन दरमियानी या आधे रास्ते में इज़ अ प्लेस कॉल्ड शेंदूर एक इलाका है जिसको शेंदूर कहा जाता है Shandur is around 3,738 meters above sea level. Shandur सतह समंदर से तकरीबन 3,738 मीटर की बुलंदी पर वाकिया है And is surrounded by beautiful snow-capped mountains. और बर्फ से ढकी हुई चोटियों से घिरा हुआ है During दौरान the summer months गर्मियों के महीनों में there is green grass यहाँ पर सब्ज रंग की घास होती है on the plateau सतह मुर्तफा पर and the blue skies are reflected और नीले रंग के आसमान का अक्स नज़र आता है इन शेंदूर लेक शेंदूर की झील में गर्मियों के महीनों में सतह मुर्तफा पर सब्ज घास होती है और नीले रंग के आसमान का अक्स शेंदूर की झील में देखा जा सकता है Every year, हर साल from the 7th to the 9th of July, 7 जुलाई से 9 जुलाई तक शेंदूर hosts a famous polo festival. शेंदूर मेज़बानी करता है पोलो के मशहूर त्यौहार की The highlights of the festival are the polo matches.
इस त्यौहार की छह सुर्खियों में पोलो मैच शामिल है बिटवीन टीम्स फ्रॉम चित्राल एंड गिलगित, जो चित्राल और गिलगित से आई हुई टीमों के मैदान होता है। द टू टीम्स हैव बीन मीटिंग हियर टू कम्पीट सिंस द पिच वॉज बिल्ट इन 1936। 1936 में जब ये मैदान बनाया गया उस वक्त से ये दोनों टीमें यहाँ पर इकट्ठी होती हैं और मुकाबला करती हैं। However, ताहम पोलो has been a part of the local culture for much longer. पोलो इस इलाके की तहजीब का हिस्सा इससे बहुत पहले से है। The first polo pitch in Shendur is said to have been built during the time of King Ali Sher Khan Anchan, 1590-1625। कहा जाता है कि शेंदूर में पोलो का पहला मैदान राजा अली शेर खान अनचान के दौर में बनाया गया, यानी 1590 से 1625 तक। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, ये एन मुमकिन है, दैट पीपल वर मीटिंग अप एट शेंदूर, के लोग शेंदूर में इकट्ठे होते टू कैंप अंडर द स्टार्स बाय नाइट, रात में खुले आसमान के नीचे यानी सितारों के नीचे कैंप लगाते एंड प्ले पोलो वेल बिफोर देन, उससे पहले बहुत अच्छी तरह से पोलो खेलते। Over the years, the matches at Shendur have been increasingly popular. वक्त गुजरने के साथ साथ शेंदूर में पोलो के जो मैच खेले जाते हैं ये बहुत तेज़ी से मशहूर हो रहे हैं। These days, इन दिनों at the Shendur Polo Festival, शेंदूर के पोलो के त्यौहार में, as well as watching polo matches in this incredible location, इस खूबसूरत जगह पर पोलो के मैच देखने के साथ साथ विजिटर्स कैन एन्जॉय डिस्प्लेज ऑफ ट्रेडिशनल फोक म्यूज़िक, ज़ायरीन वहाँ की रिवायती मौसीकी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, डांस एंड स्पोर्ट्स, रक्स और खेलों से, दैट आर पुट ऑन एज पार्ट ऑफ द फेस्टिवल, और इसको भी त्यौहार का हिस्सा बना दिया गया है। पीपल कैन बाय फूड, लोग खुराक खरीद सकते हैं, ड्रिंक्स मशरूबात खरीद सकते हैं एंड अदर प्रोडक्ट्स और दूसरी चीज़ें फ्रॉम स्टॉल्स इन द कैंपिंग विलेज, उस देहात से जहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं और कैंप्स लगाए गए हैं। पोलो इज़ अ फास्ट पेस्ड गेम, पोलो एक तेज़ रफ्तारी से खेला जाने वाला खेल है। इट हैज़ बीन कॉल्ड हॉकी ऑन हॉर्सेज, और इसको घोड़ों पर बैठकर हॉकी खेलना भी कहते हैं, एंड इट माइट बी द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट टीम स्पोर्ट, और ये भी मुमकिन है कि ये एक ऐसा खेल हो जो दुनिया में सबसे पहले टीम की शक्ल में खेला जाता हो। इट हैज़ बीन प्लेड, ये खेला जा रहा है फॉर ओवर 2000 ईयर्स, तकरीबन 2000 सालों से। पोलो इज़ नाउ प्लेड इन ओवर 100 कंट्रीज़, यानी तकरीबन 100 से ज़्यादा ममालिक में पोलो खेली जाती है, एंड देयर आर 16 प्रोफेशनल पोलो टीम्स इन द वर्ल्ड, और दुनिया में 16 प्रोफेशनल लेवल की पोलो टीमें हैं। प्रोफेशनल का मतलब होता है पेशावराना। पोलो वाज एन ऑफिशियल ओलंपिक स्पोर्ट फ्रॉम 1900 to 1939, यानी 1980 लेकर 1939 तक पोलो सरकारी सतह पर ओलंपिक खेलों का हिस्सा भी था, एंड इज़ नाउ अगेन रिकग्नाइज्ड एज वन, और अब फिर से दोबारा इसको ऐसी शिनाख्त मिली है। द वर्ल्ड पोलो चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज्ड बाय द फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल पोलो is held every 3 years. पोलो की बैन अक्वामी फेडरेशन हर 3 साल में पोलो का एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप मुनक्किद करती है। ऑफिशियल पोलो रूल्स वर फर्स्ट ड्रॉन अप इन द 19th century. पहली मरतबा सरकारी सतह पर पोलो के खेलने के असूल 19वीं सदी में बनाए गए। दीज रूल्स हैव बीन एडजस्टेड ओवर द ईयर्स, और वक्त गुजरने के साथ साथ इनको तब्दील भी किया जाता रहा और तरतीब दी जाती रही। दे वेरी स्लाइटली, इनमें थोड़ी बहुत तब्दीली होती है फॉर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द गेम, इस खेल के मुख्तलिफ वर्जन्स के लिए। वर्जन का मतलब होता है अंदाज़, यानी जब इसको मुख्तलिफ अंदाज में खेला जाता है तो इनके असूल भी थोड़े से मुख्तलिफ हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कुछ हिस्सों में पोलो इज़ प्लेड इनडोर्स, यानी पोलो को अंदर खेला जाता है, खुले मैदान में नहीं खेला जाता, विद मॉडिफाइड इक्विपमेंट, जदीद साधो सामान के साथ। द रूल्स हैव बीन डिज़ाइंस, और असूल मरतब किए गए हैं टू कीप द प्लेयर हॉर्सेस अंपायर्स एंड स्पेक्टेटर्स सेफ, ताकि खिलाड़ी घोड़े अंपायर और जो लोग भी वहाँ पर देखने के लिए आए हैं वो महफूज रहें। सो मोस्ट टीम्स ट्राई टू स्टिक टू देम, ज़्यादातर टीमों की कोशिश होती है कि वो इन असूलों पर अमल करें।
द गेम इज़ प्लेड, इस खेल को खेला जाता है ऑन अ लार्ज पिच, एक बड़े ग्राउंड में, 270 by 150 meters, यानी जिसकी लंबाई 270 meters और इसकी चौड़ाई 150 meters होती है, विद अ सराउंडिंग रन ऑफ एरिया, और इसके इर्द गिर्द एक रन ऑफ एरिया भी होता है। देयर आर 4 players इन ईच टीम, हर टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। द प्लेयर्स आर माउंटेड ऑन हॉर्स बैक, और ये खिलाड़ी घोड़े की पीठ पर सवार होते हैं, एंड कैरी लॉन्ग स्टिक्स, और उन्होंने लंबी लंबी स्टिक्स यानी छड़ियाँ उठा रखी होती हैं, कॉल्ड मैलेट्स, और इन छड़ियों को मैलेट्स कहा जाता है। दैट दे यूज टू हिट अ बॉल, और इससे ये गेंद को ज़र्ब लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देयर इज़ अ गोल एट ईच एंड ऑफ द पिच, और मैदान के हर किनारे पर एक गोल होता है। प्लेयर्स स्कोर बाय हिटिंग द बॉल इन टू द गोल, और जब कोई भी खिलाड़ी इस गोल में बॉल को ज़र्ब लगाकर फेंक देता है तो उसको स्कोर मिलता है। एज इन नेट बॉल, जैसा नेट बॉल में होता है, द प्लेयर्स चेंज एंड्स, प्लेयर्स यानी खिलाड़ी अपनी जगह तब्दील करते हैं आफ्टर ईच गोल, हर गोल के बाद, इस स्कोर जब वो स्कोर कर लिया जाए, यानी जब भी कोई गोल होता है तो खिलाड़ी अपना इलाका या अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। ईच मैच इज़ डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, हर मैच को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाता है। कॉल्ड चकास, जो चका खिलाते हैं, बट देयर कैन बी 4, 6 or 8 चकास इन अ गेम, और एक खेल के अंदर 4, 6 या 8 चकास हो सकते हैं। अ चका लास्ट 7 minutes, और इसका दौरानिया तकरीबन 7 मिनट का होता है। एंड देयर आर ब्रेक्स बिटवीन दैम, और इनके दरमियान में वक्फा भी होता है। इन द ब्रेक्स द प्लेयर्स चेंज हॉर्सेस, और इस वक्फे के दौरान खिलाड़ी अपने घोड़े तब्दील करते हैं, बिकॉज द हॉर्सेस गेट टायर्ड, क्योंकि घोड़े थक जाते हैं। एज वेल एज चेंजेस टू द रूल्स, जैसे जैसे असूल तब्दील हो रहे हैं, द इक्विपमेंट यूज हैज़ चेंज्ड, जो साजो सामान इस्तेमाल किया जाता है वो भी बदल गया है। ऑन सम एंशिएंट पिचेस द गोल्स वर मेड ऑफ स्टोन्स, बट टुडे मोस्ट आर मेड ऑफ विनाइल एंड फोम टू प्रिवेंट इंजरी इफ़ दे आर क्रैश्ड इनटू। कदीम मैदानों में जो गोल्स थे वो पत्थर से बनाए जाते थे, लेकिन आजकल इनको विनाइल और फोम से बनाया जाता है ताकि चोट से बचाया जा सके अगर ये गिर जाएं तो। दीज डेज, इन दिनों में, द बॉल इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक और वुड, जो गेंद है वो लकड़ी या प्लास्टिक से बनी होती है। बट लेकिन इन द पास्ट, माजी में, इट यूज़ टू बी मेड ऑफ विलो रूट और हार्ड रबर, इसको सख्त रबर से बनाया जाता था, या फिर बैद के दरख्त की जड़ से बनाया जाता था। सम से, कुछ लोगों का कहना है, दैट लॉन्ग अगो, बहुत पहले की बात है, अदर थिंग्स, दूसरी चीज़ें, सच एज द हेड्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों के सरों से भी गेंद बनाई जाती थी, और एनिमीज या दुश्मन के सरों से, वर यूज्ड एज अ बॉल, उनको गेंद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। यानी कुछ लोगों का कहना है कि पुराने ज़माने में जानवरों के सर से या दुश्मन के सर से गेंद का काम लिया जाता था। लकीली, खुशकिस्मती से, दैट इज़ नॉट द केस दीज डेज, आजकल ऐसा नहीं होता। द स्टिक, जो छड़ी है, और मैलेट, जिसको मैलेट भी कहा जाता है, इज़ लॉन्ग एंड मेड ऑफ केन, ये लंबी होती है और इसको बांस से बनाया जाता है, विद अ हार्ड वुड हेड, जिसका एक सिरा सख्त लकड़ी से बना होता है। इन ऑफिशियल गेम्स, सरकारी खेलों में, प्लेयर्स ऑलवेज वेयर हेलमेट्स विद चिन स्ट्रैप्स, खिलाड़ी हमेशा हेलमेट पहनते हैं जिनके साथ चिन स्ट्रैप्स लगी होती हैं थोड़ी की हिफाजत करने के लिए। दे ऑल्सो वेयर फेस गार्ड्स, प्रोटेक्टिव पैड्स, गॉगल्स एंड माउथ गार्ड्स, इसके साथ साथ वो अपने चेहरे की हिफाजत के लिए और अपने आंखों की हिफाजत के लिए और अपने मुंह की हिफाजत के लिए भी मुख्तलिफ चीज़ें पहनते हैं। इसके अलावा वो प्रोटेक्टिव पैड्स भी पहनते हैं अपने टांगों की हिफाजत के लिए। एंड एम्पायर इन ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स, और एक एम्पायर के कपड़े सफ़ेद और काले रंग की पट्टियों वाले होते हैं। एंड शोर्स दैट प्लेयर आर प्लेइंग बाय द ऑफिशियल रूल्स, और वो इस बात की यकीन दहानी करता है कि जितने भी खिलाड़ी हैं वो सरकारी असूलों के मुताबिक खेल रहे हैं। द पोलो मैच इज़ प्लेड एट शेंदूर, शेंदूर के मकाम पर जो पोलो मैचेस खेले जाते हैं, हाउ एवर, ताहम, स्टैंड आउट, मुख्तलिफ होते हैं, दे आर वेरी डिफरेंट, वो बहुत अलग होते हैं फ्रॉम द ऑफिशियल मैचेस, उन सरकारी मैचेस से, प्लेड एल्सवेयर, जो कहीं भी और खेले जाते हैं। द ट्रेडिशनल पोलो ऑफ नॉर्दर्न पाकिस्तान इज़ प्लेड ऑन अ पिच दैट इज़ 200 meters by 56 meters विद 60 centimeter हाई स्टोन वॉल ऑन द टू लॉन्ग साइड्स। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में जो रिवायती पोलो खेली जाती है, इसका मैदान 200 meters लंबा, 56 meters चौड़ा
होता है और इसके इर्द गिर्द 60 सेंटीमीटर की ऊंची पत्थरों की दीवार बनी होती है जो कि इसके दोनों लंबाई के अतराफ में होती है। द मैच इज़ लास्ट एन आवर, ये मैच तकरीबन 1 घंटा चलते हैं विद अ 10 मिनट ब्रेक इन द मिडल और उसके दरमियान में 10 मिनट का एक वक्फा होता है। देयर आर 6 प्लेयर्स ऑन ईच साइड और हर तरफ 6 खिलाड़ी होते हैं एंड रिजर्व प्लेयर्स हु स्टेप इन इफ़ अ प्लेयर इज़ इंजर्ड और कुछ खिलाड़ी पीछे होते हैं और तब मैदान में आते हैं जब कोई दूसरा खिलाड़ी ज़ख्मी हो जाए। द लार्जर नंबर ऑफ प्लेयर्स मीन्स ज़्यादा खिलाड़ियों की तादाद का मतलब है द पेस ऑफ दीज गेम्स इज़ अ बिट स्लोअर यानी इन खेलों की रफ्तार थोड़ी सी कम होती है। दिस प्रोबेबली रिड्यूसेस द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स और इससे वाज़े तौर पर हादसात में कमी होती है विच इज़ गुड जो कि अच्छा है बिकॉज द प्लेयर्स इन दीज मैचेस रेयरली वेयर हेलमेट्स क्योंकि इन खेलों में बहुत कम ही ऐसा होता है कि खिलाड़ी हेलमेट पहने एंड टेक फ्यूर सेफ्टी प्रिकॉशंस और हिफाजती तदाबीर पर भी बहुत कम ही अमल किया जाता है। देयर आर नो अम्पायर जहाँ पर कोई अम्पायर नहीं होता एंड सम पीपल वुड गो एज फार एज टू से दैट देयर आर नो रूल्स और कुछ लोग तो इस हद तक चले जाते हैं कि जैसे इस खेल के कोई असूल हैं ही नहीं। दीज वाइल्ड गेम्स आर प्लेड बाई स्किल्ड हॉर्समैन, ये जंगली से खेल बहुत माहिर घुड़सवार खेलते हैं एंड ड्यूरिंग द 3-day festival और 3 दिन के त्यौहार में द ABCD टीम्स फ्रॉम ईच टाउन कम्पीट, हर इलाके से ABCD 4 टीमें आपस में मुकाबला करती हैं। द फाइनल इज़ हेल्ड, फाइनल मुनक्किद किया जाता है ऑन 9 जुलाई एवरी ईयर, हर साल 9 जुलाई को। द क्राउड्स वॉच एंड चीयर एंड बिटवीन गेम्स दे मार्वल एट द सीनरी, क्राउड यानी मजमा वहाँ पर मैच देखता है उनको शाबाशी देता है और इन खेलों के दरमियान में वो यहाँ की खूबसूरत सीनरी यानी खूबसूरत नज़ारे को भी इंजॉय करते हैं, लुत्फानंदोज़ होते हैं उससे और इन्जॉय द अदर फेस्टिवल अट्रैक्शंस और इस त्यौहार की दूसरी जो पुरकशिश चीज़ें हैं उससे भी लुत्फानंदोज़ होते हैं। This was the end of this lecture. Hope you liked it. And if you want to learn more, please like and share my videos and subscribe my channel. Thank you for watching. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.